हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों हम कर रहे हैं क्लंडर। क्लंडर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहले पार्ट में हमने सीखा, जैसे हमें कोई दिन दे दिया हुआ है, आज सोमवार है, आज 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा, वो क्वेश्चन जितने बनते थे हमने पार्ट वन में सीखा, ठीक है। दूसरा हमसे कोई दिन दे दिया है, 5 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, जो कोई डेट दे दी है 4 फरवरी 2004 या 2005 को कौन सा दिन होगा, वो हमने देखा पार्ट टू में, ठीक है। आज हम करेंगे पार्ट थ्री। यदि 10 अगस्त 2004 को सोमवार था तो 12 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आज हम करेंगे पार्ट थ्री। वीडियो को ध्यान से देखते रहें, चलो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज वीडियो हम देखेंगे कैलेंडर टाइप थ्री। टाइप वन और टाइप टू हम वीडियो पहले बनाई हुई उस पर कर चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाकर देख सकते हो। आज हम देखेंगे टाइप थ्री। जैसे हमें ये डेट 11 अगस्त 1998 को शनिवार है, 11 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। दोस्तों जब दिन सेम है, डेट सेम है, इनको इग्नोर करना है, साल को पकड़ लेना है, 1993 और 1998, डिफरेंस 5 का। अब देखना है इसमें कोई लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर कौन सा होता है, जैसे 93 हो गया, 94, 95, 96, ये हमसे पूछा 93 से 98 के बीच में लीप ईयर। लीप ईयर वो होगा जो 4 से कट जाए, 4 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमें लीप ईयर सिर्फ एक मिला है, ये लिख दो यहाँ पे एक। अब हमारे पास क्या आंसर है, 6, 6 आ गया, 6 को लिख दो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 के नीचे क्या लिख देंगे, हमें क्या दिया हुआ है, शनिवार। अब शनिवार को आगे चला दो, सोम, मंगल, बुध, वीर और शुक्रवार, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसको आप दिमाग में भी कर सकते थे, अगर आज शनिवार है, शनिवार कौन सा वार होगा, शुक्रवार ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों ये था, दिन सेम है, डेट सेम है, सिर्फ साल पकड़ना है, उसमें देखना अगर लीप ईयर है कोई तो लगा देना है, आंसर जोड़ देना है, उसके बाद जो आंसर आया यहाँ पे लिख दो और उसको आगे लिख दो, वहां से वहां तक सीधी चला दो, शनिवार आ गया तो शनिवार से वहां आगे तक शुक्र बन जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ है, यदि 25 मई 1999 को शुक्रवार था तो 25 मई 1993 को कौन सा दिन होगा, इसमें साल कम हुआ है, उसमें पिछले वाले में था जब यहाँ पे 93 दिया हुआ था तो उससे 98 जा रहे थे, अब 99 से 93 जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम फंडा रहेगा, दिन सेम है, महीना भी सेम है, साल को पकड़ो, 99 93 कितने का डिफरेंस, 6। अब इसमें देखो कोई लीप ईयर तो नहीं है, 99 98 97 96, 95, 94 और 93, इसमें लीप ईयर, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, लीप ईयर इसमें आया सिर्फ एक, ठीक है। दोस्तों आ गया आंसर 7। जब भी आंसर 7 आएगा, जो दिन दिया होगा वही बनेगा, 7 आ गया शुक्र और दिया हुआ है शुक्रवार ही बनेगा, नहीं तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 7 लिखा, इसको चला दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 तक चल गया, 7 पे हमें कौन सा दे रखा है, शुक्रवार दे रखा है, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आ गया, शनि, ऐत, सोम, मंगल, बुध, वीर और शुक्र, शुक्रवार आ गया। दोस्तों जब भी 7 आएगा, जो दिया होगा वही आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, शुक्रवार, ठीक है। दोस्तों ये था इसका फंडा कैलेंडर का, जब हमें दिया हुआ है जैसे 25 मई 1999 को कुछ दिन दे दिया होगा, फिर तो हमसे पूछ लें 2020 को, 25 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है, यदि 8 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है तो 11 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अब डिफरेंस इसमें सिर्फ ये है, या 8 अक्टूबर है या 11 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर 11 अक्टूबर के बीच में 3 दिन तो ये हो गए, अब 2019 से 2021 दो साल का फर्क है, 2 साल वो हो गए, अब इसमें देखेंगे कोई लीप ईयर तो नहीं है, 19 से लेके 20 और 21 तक 19 डिवाइड 4 से नहीं होगा, 20 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं, एक लीप ईयर ये आ गया, 3 2 5 6 आ गया, तो 6 सीधी चला दो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 पे क्या है, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि, ऐत, सोम, सोमवार हमारा आ जाएगा, 11 अक्टूबर 2021 को सोमवार होगा, ठीक है। दोस्तों 6 पे आया, 6 पे मंगलवार है, 6 से आगे सीधी चला दो, मंगलवार के बाद बुध, वीर, शुक्र, शनि, ऐत, सोम, सोमवार हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कैलेंडर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें,
अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको और भी बहुत से टॉपिक मिलने वाले हैं अच्छे अच्छे जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने लाइक किया होगा, अगर किया तो बढ़िया बात, अगर नहीं किया तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।